ये कोफ्ता देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी और चटपटा है, और इसे आप झटपट बना के रेडी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमिता किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चने के साग का कोफ्ता करी, जो खाने में टेस्टी तो होता ही है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। चने के साग को या तो आप कच्चा खाते होंगे या फिर इसके पकौड़े और पराठे बनाकर खाते होंगे, लेकिन आज मैंने उसे थोड़ा अलग तरह से बनाया है और उसकी सब्जी बनाई है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और देखिए इसका टेस्ट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी को भी दबा दें, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके, और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो ज़रूर करें। कोफ्ता करी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम चने का साग लिया है। सबसे पहले इसे हम काट लेंगे। इसमें थोड़ा मोटे मोटे डंठल रहते हैं, तो इसके मोटे डंठल हम निकाल देंगे और इसके मुलायम पार्ट हम ले लेंगे। ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा हम ले लेते हैं और ये जो मोटा है इसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि चने के साग के ऊपर के डंठल थोड़ा हार्ड रहते हैं। अगर ज़्यादा हार्ड हो तो निकाल दें और अगर मुलायम हो तो ले लें। इस तरह से हम इसके मोटे डंठल निकाल देंगे। चने का साग पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है, इसे कच्चा खाएं या पक्का, हर तरह से ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो हम इसे इस तरह से निकाल कर इसका बंच बना लेंगे और इसे कट कर लेते हैं। अब इसे हम बिल्कुल बारीक काट लेंगे, ये बहुत आसानी से कट जाता है। तो हम सारे साग काट लेते हैं और ये देखिए, हमने सारे साग को बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब इसे हम दो तीन बार अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे, क्योंकि चने के साग नीचे होता है तो इसमें थोड़ा मिट्टी भी रहता है, जिससे ये अच्छे से साफ हो जाए। और ये देखिए, इसे हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। इसे इसी तरह थोड़ी देर रख देते हैं, जिससे इसका थोड़ा पानी सूख जाए। और ये हमने दो बड़े साइज के प्याज को मोटे मोटे पीस में काट लिया है, तीन हरा मिर्च लिया है और 10 से 15 कलियां लहसुन का लिया है। इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे, प्याज डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं और हरा मिर्च इसमें काट के डालेंगे, जिससे आसानी से पीस जाए। और 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे और इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लेते हैं। अब चने का साग भी बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें हम आधा कप बेसन डालेंगे। ये देखिए, 1/2 कप बेसन हमने लिया है, ये 5 से 6 टेबल स्पून के करीब होगा। इसे हम इसमें डाल देते हैं। 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे, मिर्च आप कम ज़्यादा कर लें, हमने ग्रेवी के लिए भी हरा मिर्च पीसा है इसलिए कम ही डाल रहे हैं। 1/4 चम्मच यानी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और आधे प्याज को हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसे डाल देते हैं। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें जाएगा नमक, नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। और 1/4 चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे। और अब डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, और ये हमने लिया है 1 छोटे चम्मच में 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा यानी खाने वाला मीठा सोडा। इसमें से हम 2 चुटकी बेकिंग सोडा निकाल कर इसमें डाल देते हैं, इससे कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। मीठा सोडा इसमें आप ज़रूर डालें, क्योंकि कोई भी कोफ्ते बना रहे हैं 2 चुटकी अगर मीठा सोडा डाल देते हैं तो कोफ्ते अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें अभी हमने पानी नहीं डाला है, पहले इसे ऐसे ही मिक्स कर लें, उसके बाद पानी डालेंगे। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी, क्योंकि साग में कुछ ना कुछ पानी रहता है। तो पहले इसे ऐसे ही मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको बैटर बनाएंगे। इसे थोड़ा सूखा ही बनाएं तो पकौड़े अच्छे बनेंगे। और ये देखिए, अब बैटर बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, ना ज़्यादा सूखा और ना ही ज़्यादा गीला, बिल्कुल इसी तरह का बैटर होना चाहिए तो आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, गोले गोले। आप चाहें तो इसे पकौड़े की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन इसे इस तरह से थोड़ा गोला कर लें तो ये देखने में अच्छा लगता है। और ये देखिए, अब ये कोफ्ता बनके बिल्कुल रेडी हो गया। इसी तरह से हम और भी कोफ्ते बना लेते हैं। और ये देखिए, हमने सारे बॉल बना के रेडी कर लिए हैं। अब इसे हम फ्राई करते हैं। एक पैन में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे, तब इसमें कोफ्ते डालेंगे। अब इसमें हम एक छोटा सा टुकड़ा डाल देते हैं और चेक कर लेते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं, बबल्स आ रहे हैं यानी तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसे हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। जब तक ये फ्राई होगा तब तक तेल भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। अब इसी में हम कोफ्ते डालेंगे। इस समय हम गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे, क्योंकि अगर गैस को हाई फ्लेम पर रखेंगे तो कोफ्ते ऊपर से जल जाएंगे और अंदर कच्चा रह जाएगा, और अगर लो फ्लेम पर करेंगे तो ये अच्छे से पक नहीं पाएगा। तो गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें।
अब इसे हम इसी तरह से 2-3 मिनट छोड़ देते हैं। अभी इसे हमें 2-3 मिनट छूना नहीं है, इसे हमने 3-4 मिनट छोड़ दिया था। अब ये थोड़ा पक गए हैं तो इसे हम धीरे से पलट देते हैं और इसी तरह से इसे अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और इसे इस तरह से बराबर घुमाते रहें जिससे चारों तरफ ये अच्छे से पक जाए। और ये देखिए अब ये धीरे धीरे ब्राउन हो रहा है, तो इसे हम थोड़ा और फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए अब अच्छा ब्राउन हो गया है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसके हम तेल छान लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। अब गैस पे हम फिर से पैन रखेंगे और इसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। आप इसे किसी भी ऑयल में बना सकते हैं, जो भी ऑयल यूज करते हैं उसी में बना लें, और तेल आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब तेल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब तेल गर्म हो गया है तो इसमें हम 2-3 चुटकी हींग डालेंगे, इससे इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अब जीरा चटक गया है तो इसी में हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसे हमने 2-3 मिनट तक भून लिया है, अब ये हल्का ब्राउन हो गया है। तो अब इसी में हम प्याज लहसुन और हरा मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था इसे डाल देंगे, और 1-2 टेबल स्पून इसमें हम पानी डाल देते हैं जिससे सारा पेस्ट निकल आए। और इसे 2-3 मिनट भून लेते हैं जिससे प्याज का कच्चापन निकल जाए। अब इसी में हम 1 खड़ा लाल मिर्च डाल देते हैं। तेल में डालने से लाल मिर्च जलने लगता है, इसलिए इसे हम प्याज में डाल रहे हैं। अब प्याज थोड़ा पक गया है, इसका कच्चापन निकल गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। 2-3 टमाटर को हमने पीसकर उसका पेस्ट बना लिया है, इसे डाल देते हैं। और इसी में 2 चम्मच पानी डालकर इसमें डाल देते हैं जिससे सारा पेस्ट निकल आए। अब इसे हम 2-3 मिनट और कुक कर लेते हैं। इसे हमने 2-3 मिनट तक और कुक कर लिया है। अब टमाटर का कच्चापन निकल गया है तो अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच यानी 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच से भी कम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप कम ज़्यादा कर ले, हमने हरा मिर्च पीसा है इसलिए कम ही डाल रहे हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। ये तीखा नहीं होता है लेकिन इससे सब्जी का कलर अच्छा आता है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2-3 टेबल स्पून पानी जिससे मसाले अच्छे से पक जाएं, और इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसे हम ढक के पकाएंगे, इसमें लीड लगाएंगे और ढक के 2-3 मिनट छोड़ देंगे जिससे मसाले अच्छे से पक जाएं। इसे हमने 3 से 4 मिनट तक कुक कर लिया है, अब इसे चेक कर लेते हैं। और ये देखिए अब मसाला अच्छे से पक गया है, ये तेल छोड़ दिया है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, ये देखिए। अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो इसमें हम 1 से 1.5 कप के करीब पानी डाल देते हैं। पानी आप कम ज़्यादा कर लें, जितना पतला या गाढ़ा ग्रेवी बनाना चाहें उसी अनुसार पानी डालें। अब इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा पानी इसमें अभी हम और डाल देते हैं क्योंकि अभी इसे पकने में भी टाइम लगेगा। अब ये बिल्कुल गाढ़ा ग्रेवी बन गया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, 1 छोटा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। और अब इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, इससे इसका टेस्ट और खुशबू दोनों ही अच्छा आएगा। अब इस पर हम लीड लगाएंगे और इसे ढक के 5-6 मिनट छोड़ देते हैं जिससे ग्रेवी अच्छे से पक जाए। इसे हमने 5 से 6 मिनट तक कुक कर लिया है, अब ग्रेवी अच्छे से पक गया है, इसे हम चला लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे कोफ्ते, और ये देखिए ये कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं, इस तरह से आसानी से दब जा रहे हैं। तो सारे कोफ्ते हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छे से चला देंगे और अब इसे हम फिर से ढक के पकाएंगे जिससे कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो अब इसमें हम लीड लगाते हैं और ढक के 3-4 मिनट तक और कुक कर लेंगे तो कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब इसे हम ढक के 4-5 मिनट छोड़ देते हैं जिससे सॉफ्ट हो जाए। इसे हमने ढक के 5 मिनट और छोड़ दिया था, अब कोफ्ते अच्छे से पक गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं और ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गया है। ये देखिए इस तरह से चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। अब गर्मा गर्म कोफ्ते सर्व के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बना है, आप इसे रोटी, पराठे, पूरी, राइस किसी के भी साथ खाएँ, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब मैं एक आपको कट करके दिखाती हूँ और ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है।
आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप लोगों ने हमारे चैनल को देखा, इतना प्यार दिया और हमें सपोर्ट किया, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।